पढ़ते हैं आगे 8.4 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 9 है, इसे हमें प्रूफ करना है कि cosec a माइनस sin a इनटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a, हमें ये प्रूफ करना है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के माध्यम से हमने जाना था कि cosec a बराबर होता है 1 अपॉन sin a, सेकेंड ए बराबर होता है 1 अपॉन cos a। अब देखो यहाँ पे ऐसे सवाल में क्या करना होगा, हमें लाना है tan में और cot में। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे cosec है, sin है, sec है, cos है। अब यहाँ से इसको कन्वर्ट करना है किसमें, sin tan में और cot में। तो ये सब जो आइडेंटिटीज देखी थी, cos a बराबर होता है 1 upon sin a, sec a बराबर होता है 1 upon cos a, tan a बराबर होता है 1 upon cot a, sin square a plus cos square a बराबर होता है 1, एक और फॉर्मूला होता है sec square a minus tan square a is equal to होता है 1, cosec a square minus cot square a is equal to 1 होता है। तो सवाल अब ये है कि हमें यहाँ पे दिया है cos, लाना है tan और cot, तो cosec का क्या कोई रिलेशन होता है जिससे हम tan और cot में पहुंचे? बिल्कुल है, यहाँ पे देख सकते हैं इस आइडेंटिटी की मदद से हम cot में तो पहुंच सकते हैं, चलो सही बात है। अब यहाँ पे sin है, अब सवाल ये है कि अगर हम इसको sin को फिर से हम cos में कन्वर्ट करते हैं, cosec में क्योंकि cosec sin का रेसिप्रोकल होता है, तो sin cosec का हो जाएगा। तो साइन के जगह पे अगर हम कॉसेक को डाल देते हैं तो ये पूरी आइडेंटिटी कॉसेक में आ जाएगा और इससे कॉट में हमारा बदल जाएगा। अब यहाँ पे उसी तरह करना है कि हमारी आइडेंटिटी सेक में है और कॉस में, और कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। अब इस कॉस को हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से भी ये सेक में रिलेशन आएगा। अब ये सेक में रिलेशन आएगा तो हम जानते हैं कि सेक और टेन का कोई ना कोई रिलेशन होता है। इस तरीके से इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, cot में, इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, tan में कन्वर्ट किया। तो इससे हमारी आइडेंटिटी जो है वो tan और cot के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले एलएचएस से चलते हैं। तो यहाँ पे है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a, अब लगा दिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin को हम कन्वर्ट कर देगी क्योंकि डायरेक्टली कॉसेक का रिलेशन कॉट में है और कॉट हमें चाहिए, इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे कि कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए इंटू सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक का मल्टीप्लाई कॉसेक से हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए into sec square a minus 1 upon sec। अब यहाँ तक समझ में बात आ रही है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, तो क्या मैं इस आइडेंटिटी को उठा रहा हूँ, इस आइडेंटिटी की मदद से, नीचे वाले आइडेंटिटी की मदद से क्या मैं cosec square की वैल्यू को हम 1 plus cot square भी लिख सकते हैं? देखेंगे हम यहाँ से cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है cosec स्क्वायर a माइनस 1 की। अब इसको देखो, 1 को इधर लाया, cot को हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो जब 1 को हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और cot को हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का है, अब ये प्लस का cot स्क्वायर ये जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट cot स्क्वायर ये आ गई। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया cot स्क्वायर a अपॉन cosec a इनटू, उसी तरह से sec स्क्वायर a को, a वाले को देखेंगे, तो sec स्क्वायर a वाले को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता है, फिर एक आइडेंटिटी देखेंगे ये वाला आइडेंटिटी, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या चाहिए, sec स्क्वायर a माइनस 1 चाहिए आप। अब फिर से उसी तरह से 1 को इधर लाया और tan को राइट में भेजा हमने, हाँ, तो ये हो गया tan स्क्वायर a। अब इसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम क्या लिख दें, tan लिख दिए,
तो टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक, इतना हमने आपको पता चला कि हमने किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब देखो इस चीज को समझो कि यहाँ पे कॉट है टेन है, हमें पता है कि कॉट है टेन है। अब इसको और इसको हमें चेंज करना है। किस तरह से चेंज करना है? इस तरह से चेंज करना है कि ये चीज टेन और कॉट में आ जाए। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अब हमें थोड़ा सा यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप एक्सपर्ट है तो आप डायरेक्ट कॉसेक को भी वैल्यू को निकाल करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो इसको तो साइन और कॉस में करके आप ऑलरेडी क्वेश्चन को बहुत ईजी कर सकते हैं। लेकिन जब हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल हमने कर लिया, जब हमने कॉसेक और कॉट की रिलेशन इस्तेमाल कर लिया, तो क्यों ना हम कॉसेक को फिर से कॉट में ही रख दे। देखो कैसे कॉसेक इस आइडेंटिटी से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन है। अब कॉट को उधर भेज दो भैया, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर। अब यहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकलेगी अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर लिख सकता? अब इस चीज को समझो, हमको कॉट ए और टेन ए की तरफ पहुंचना है। ये भी कॉट हो जाएगा, नीचे वाला भी कॉट हो जाएगा। अब उसी तरह से क्या मैं सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस इस आइडेंटिटी के मदद से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से मैं लिख दू सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखेंगे इस आइडेंटिटी का हमने बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखेंगे ये चीज हमारे पास क्या आ गई, कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक ए की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गई। अब फिर यहाँ पे हम देखेंगे टेन स्क्वायर ए है, टेन को तो टेन पे रख दिए। अब फिर यहाँ पे अंडर रूट रख दिए, सेक ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि ध्यान से रखो, एक तरीका हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए है ना, तो जब ये अंदर जाएगा तो अच्छा। अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये कॉट को हम अंदर भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं जैसे कि, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉट के पावर फोर। क्योंकि आपको पता है कि जो चीज अगर रूट में रहती है रूट एक्स स्क्वायर, तो ये रूट से ये स्क्वायर करके एक्स आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कॉट पे पावर फोर है, यानी कि कॉट स्क्वायर का ये स्क्वायर है। एक एक स्क्वायर से ये कटेगा तो क्या आएगा कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है कॉट स्क्वायर। उसी तरह से ये चीज किया गया आपको समझाने के लिए, तो कॉट पावर फोर हो गया। इसी तरीके से ये आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन पे पावर। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे, तो अब आपके पास एक चीज आ रही है, क्या आ रही है देखेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन अंडर रूट वन बाई कॉट पे पावर फोर ए प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर ए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन बाई टेन पे पावर फोर ए प्लस वन बाई टेन स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे एक वन अपॉन कॉट पे पावर फोर है, अब इसको टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या होगा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे गौर फिक्र करेंगे, तो जब इसको हम
किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं हम टेन में, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्वाट में। जैसे ही होगा तो ये वन अपॉन टेन के पावर फोर ए प्लस टेन स्क्वायर ये हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट वन अपॉन क्वाट के पावर फोर ए प्लस क्वाट स्क्वायर ए आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को इरेज करते हैं, तो बिफोर प्रोसीड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमने यहाँ तक तो पहुँचा था, अब इसी स्टेप को आगे की तरफ ले चलते हैं। तो हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है, अब यहाँ पे ध्यान रखें कि ये हमें हमारे पास ये आया 1 बाई अंडर रूट टेन पावर फोर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू वन अपॉन अंडर रूट कॉट पावर फोर ए प्लस कॉट स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे ये चीज लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ तो प्लस में है लेकिन है यहाँ पे गुना में, तो एक तो ये हो सकता है कि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है रूट ए बी, लेकिन ये यहाँ पे करना थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन कॉट स्क्वायर ए निकल सकता है टेन स्क्वायर ए निकल सकता है, और आप जानते हैं किसी भी स्क्वायर का अगर अंडर रूट रहता है तो कैंसिल होकर वो बाहर निकल जाता है। तो अब वही काम करेंगे यहाँ पे भी, वन अपॉन टेन स्क्वायर ए कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन अंडर रूट का, इसी तरीके से इंटू वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन आ जाएगा अंडर रूट का। अब यहाँ पे देखेंगे कि टेन स्क्वायर ए में है तो ये अब ये बाहर निकल जाएगा, अब हो जाएगा टेन ए अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन इंटू फिर ये थर्ड बाहर निकल जाएगा थर्ड का स्क्वायर कॉट ए की पूरा कंप्लीट स्क्वायर है इसलिए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस। अब ध्यान दे रहे अब क्या कर सकते हैं, ये गुना में ये मल्टीप्लीकेशन में, अब इस कॉट ए को हमने लिख दिया वन अपॉन टेन ए, तो ये टेन ए लिखा तो ये टेन ऐसे ये टेन कैंसिल हो गया, अब हमारे पास ये बचा और ये बचा, इसी चीज को मैं ये लिख दूं कि वन अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन इंटू वन अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, तो हमारे पास ये। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकता हूं मैं, अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है आपको कि भैया ये आ गया अब यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, टेन अंडर रूट में है कॉट अंडर रूट में है, अब इसको कैसे वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए के फॉर्म में हम लिखे, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो तुम थोड़ा उसे दिमाग ये लगा सकते हो, डायरेक्ट अगर हम इसको वो करना चाहे तो नहीं हो सकता, दिमाग ये लगाना है कि इस कॉट को टेन में थोड़ा देर के लिए कन्वर्ट करो, इससे क्या होगा कि टेन टेन में रिलेशन आ जाएगा, और टेन टेन में रिलेशन जब पहुंचेगा जब एक ही चीज में रिलेशन पहुंचता है तो उससे अलग अलग चीजें करना आसान हो जाता है, लेकिन जब अलग अलग चीजें हो जाए उससे एक चीज लेकर के आना है या दो चीज लेकर के आना तो बहुत ही वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है यहाँ पे फर्क ये है कि ये प्लस के फॉर्म में नहीं आ रहा, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो अब इसको प्लस के फॉर्म में लाने के लिए हमें इस क्वाड को टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कन्वर्ट किए आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि आप ये इसको प्लस में लेकर के आएंगे। आप देखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन और इंटू अब इसको हमने कॉट को किया टेन में तो अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वन, अब इसको देखेंगे वन अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस वन इंटू अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए, अब ये टेन स्क्वायर ए निकल जाएगा टेन ए के फॉर्म में, ये हो जाएगा वन अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन इंटू वन अपॉन ये टेन स्क्वायर ए जो है ये यहाँ पे टेन ए आ जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे इस चीज को, हम क्या करेंगे सिंपली
यहाँ से अब हम ये स्टेप कर सकते हैं, वन अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन इंटू ऊपर, ये नीचे है ये ऊपर चला आएगा, टेन हो जाएगा टेन ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो टेन स्क्वायर ए प्लस वन या वन प्लस टेन स्क्वायर ये इक्वल है, जैसे कि आप जानते हो आपने ये पढ़ा होगा रियल नंबर में, रियल नंबर का एक्सपोनेंट के नियम में अगर रूट ए इंटू रूट ए रहता है तो उसको ए लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी ये सेम अंदर क्वांटिटी सेम है, तो इसको क्या मैं डायरेक्ट वही क्वांटिटी अंदर का लिख दूँ वन प्लस टेन स्क्वायर। अब इस टेन ए को मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये वन अपॉन टेन ए प्लस ये वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन, ये बड़ा वाला लाइन है, ये छोटा वाला लाइन है, यानी बेसिकली ये फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा है ना। तो अब इसको इसे डिवाइड करते हैं यही होता है ना, तो ये वन अपॉन टेन ए हो जाए। अब ये टेन स्क्वायर ए से एक टेन को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेन ए आ जाए। तो ये क्या आ गया, वन अपॉन टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस टेन। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दिए वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट इक्वल टू, यही चीज़ चाहिए था हमें, मिल गया। Hence, thank you.